बात मुंबई की, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 7 दिनों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। मुंबई के धारावी में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई से जी मीडिया संवाददाता राकेश द्विवेदी की रिपोर्ट आप देखिए। पिछले 24 घंटों में 350 नए मामले आने के साथ महाराष्ट्र में कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 2684 हो चुकी है, जबकि इसमें अब तक 188 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और 250 लोग जो हैं अब तक ठीक होकर के घर पर जा चुके हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में अब तक कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 1756 हो चुकी है और सिर्फ मुंबई में ही मरने वालों की संख्या 112 तक पहुंच चुकी है। अगर मैं बात करूं तबलीगी जमात की तो पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 800 लोगों के टेस्ट किए गए, उनमें से 57 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी लोगों की अभी टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। इन 57 लोग जो हैं बाकी लोगों के जो संपर्क में आए उनकी भी जो है रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके अलावा मुंबई भर में जो है कुल मिलाकर के 400 इलाके ऐसे हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, जिसमें किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है। इसके अलावा ग्रांट रोड, अंधेरी वेस्ट, कुगला वेस्ट, भाईखला, धारावी ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। तो एक तरफ लगातार मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा होगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांद्रा स्टेशन के बाहर जो तस्वीरें दिखाई दी वो निश्चित तौर में चिंता पैदा करने वाली थी। कैमरा पर्सन अनिल गुप्ता के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। तो मेरे साथ इस वक्त राकेश त्रिवेदी लाइव जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। राकेश, अगर जो ताजा हालात बने हुए हैं कल जो मुंबई में हुआ भी है, उसके बाद बहुत जरूरी हो गया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई अपने घरों से बाहर ना निकले, इस सेकेंड फेज के लॉकडाउन के हर नियम का पालन लोग सख्ती से करें। निश्चित तौर पे विरोधी, देखिए ये बहुत ही ज्यादा जो है अब जरूरी भी हो गया है। मैं आपको एक अपडेट ये भी देना चाहूंगा कि मुंबई के जो आंकड़े हैं उसने दिल्ली को भी अब पीछे छोड़ दिया है और मुंबई अब देश का सबसे ज्यादा जो है संक्रमित इलाका इसे कहा जा सकता है। 1750 से ज्यादा मामले जो है अभी मुंबई में कल शाम तक जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। आज सुबह जो है मुंबई के 2 इलाकों से ही 10 मामले जो सामने आ गए, कंसोलिडेटेड जो डेटा है वो आना अभी बाकी है। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगले 1 हफ्ते तक जो है सख्ती बरती जाएगी और यही वजह है कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो है वो सख्ती बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत भी है। और दूसरी तरफ 20 अप्रैल के बाद जो है उसका जो एनालिसिस भी किया जाएगा, उसके हिसाब से जो है छूट दी जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता नहीं कि 20 अप्रैल के बाद मुंबई या महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई, पुणे, नागपुर, अहमदनगर, ये जो 4 जिले हैं महाराष्ट्र के, इनको लेकर के कोई छूट दी जा सकती है। उसके अलावा जो बांद्रा की जो घटना घटी है उस घटना का इम्पैक्ट कितना हुआ है ये आने वाले 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा। 1 हफ्ते के बाद अगर कुछ लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं और उनकी जांच में पता चलता है कि ये लोग बांद्रा के इस भीड़ में खड़े थे या वहां से इन्हें हुआ है, तब ये निश्चित तौर पर और भी चिंता की बात होगी। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए मेरे साथ। अतुल भी मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी आगे। लेकिन अहमदाबाद में भी कोरोना संक्रमण बीते 1 हफ्ते से 782% की तेजी से फैला है और यहां अब तक 320 कोरोना संक्रमण के केस मिल चुके हैं। 1 हफ्ते पहले ये गिनती सिर्फ 38 केसों की थी। अहमदाबाद के अंदर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, आप दृश्य में भी देख सकते हैं। पुलिस की टीम जो है बाइक के माध्यम से और गाड़ियों के माध्यम से जो इलाकों में कर्फ्यू किया गया है उन इलाकों के अंदर फ्लैग मार्च कर रही है। सीधे तौर से अहमदाबाद के जो कोट इलाके हैं उसके अंदर आज से कर्फ्यू घोषित किया गया है। 21 तारीख तक कर्फ्यू लगातार रहेगा। साथ ही में बात की जाए तो दाणी लिमड़ा जो कि हॉटस्पॉट है वहां पर भी कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सीआरपीएफ की टीम, आरएएफ की टीम, बीएसएफ की अलग अलग टुकड़ियों द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। ये वो इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा केसेस गुजरात के, सबसे ज्यादा अहमदाबाद के, सबसे ज्यादा केसेस आए हुए हैं। दरियापुर इलाका है और सतत यहां से पिछले कुछ दिनों से जो केसेस हैं, जो संक्रमण है, वो संक्रमण के केसेस जो है वो आते रहे हैं। खास करके अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर अब तक 600 से ज्यादा केसेस जो है वो आ चुके हैं और 370 से ज्यादा केसेस जो है वो अहमदाबाद के अंदर पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ऐसे में कल भी जो सबसे चिंताजनक एक मामला हुआ था जहां पे जमालपुर के जो विधायक थे वो सीएम के साथ कल जो बैठक हुई थी, बैठक में भी उपस्थित रहे थे। तो जहां पे भी बैठक हुई थी और जहां जहां ने उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बात की थी, उस पूरे विस्तार को सैनिटाइज किया जा रहा है। और साथ ही में जो सीएम विजय रूपाणी उस बैठक में मौजूद थे, डेप्यूटी सीएम
नितिन पटेल भी उस मीटिंग में मौजूद थे, साथ ही में गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे थे। तो ये जो तीनों तीन नेता हैं, वो तीनों नेता आज जो डॉक्टर्स हैं उनका ओपिनियन लेंगे, क्योंकि ये जो संक्रमण है वो आसपास में एक दूसरे के छूने से फैलता है। उसी हिसाब से जिस तरह से इमरान खेड़ावाला जब पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनका अहमदाबाद की SVP हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया है। पर जो भी लोग कल उनके संपर्क में आए थे, चाहे वो CM हो, डेप्यूटी CM हो और गृह मंत्री हो, हर कोई आज डॉक्टर की जो एक सुझाव जो है वो लेगा, और आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर क्वारंटाइन होने का अगर उन लोगों को कहते हैं तो आगे वो लोग क्वारंटाइन होते हैं या क्या होते हैं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरामैन अमित मकवाना के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, अहमदाबाद।